तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैंने न्यू ड्राइंग आर्ट मटेरियल परचेज़ किया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखला देता हूँ इसका अनबॉक्सिंग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सामान हमारा ये है, जिसको मैंने मीशो से परचेज़ किया हूँ। तो इसको तो हम वीडियो को एंड में दिखलाएंगे, एंड में पता चलेगा कि आखिर इसके अंदर में क्या है। तो इसको साइड में रख देते हैं। और दूसरा हमारा ये है, जिसको मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया हूँ। इसका प्राइस 255 रुपीज़ पड़ा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अनबॉक्स शुरू करते हैं। तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, फिर इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे। चलो भाई निकल जाओ, इसको फेंक देते हैं। इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ही ख़राब लगा, इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं किया इसमें पैकेजिंग। चलो अब जैसा भी हो, अब दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ। ये हमारे आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल, जो कि ठीक तो लग रहा है। ये भी अलग अलग नंबर्स के होते हैं, इसको साइड में रख देते हैं अभी। उसके बाद आता है ये पेंसिल एक्सटेंडर, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। इसको पेंसिल छोटा है तो है, तो इसको इस प्रकार इसमें डाल, फिर हम इसको अपने वर्क में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसको दिखाता हूँ, ये है ब्लेंडिंग स्टम्प, इसको पेपर स्टम्प भी बोलते हैं। ये भी अलग अलग नंबर के होते हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, मुझे काफ़ी मज़ा आएगा इसमें यूज करने में। और ये है, पहले इसको निकालते हैं फिर बताता हूँ। निकल जाओ भाई, इसको ऐसे काट देते हैं। ऊपर को ऊपर से हटा देते हैं, इसको हम इसमें ऐसे घस सकते हैं, जब गंदा हो जाए तो फिर ये क्लीन हो जाएगा। इसको अभी रख देते हैं। अब आखिरी में ये हमारे पास बचता है इरेजर, इसको कैनेडियन इरेजर भी बोलते हैं। काफ़ी अच्छा होता है डिटेलिंग के वक्त हाईलाइट दिखलाने के लिए, काफ़ी दिनों से यूज करने का बहुत ही मन था इसको। तो अब मैं इस अपने ड्राइंग में इसको यूज करूँगा। पहले मैं नॉर्मल इरेजर का ही यूज करता था, निकल क्यों नहीं रहा है, निकल गया। ये बूमर की तरह होते हैं भाई, देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें यूज करने में का मजा आएगा, देख सकते हैं आप लोग, जिस तरह भी करना चाहेंगे हो जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फ्लिपकार्ट से मंगाया हुआ सामान का रिव्यू। तो अब आपको दिखलाने वाला हूँ मैं मीशो से मंगाए हुए सामान का अनबॉक्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मीशो से मंगाया हुआ, जिसको मैं आपको शुरू में दिखलाया हूँ। तो अब हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। देखिए ये काफ़ी बड़ा है, तो अब इसका प्राइस मुझे पड़ा 185 रुपीज़, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि आखिर इसके अंदर में क्या है। तो मैं इसके लिए ले रहा हूँ कटर, इसको हम यहाँ से काटेंगे, यार तो यहाँ से कट नहीं रहा है, यहाँ से काटते हैं, निकालते हैं कि इसके अंदर में क्या है। तो देखते रहे वीडियो को एंड तक। तो गाइस, इसे जानते हैं क्या है, चलो मैं ही बता देता हूँ। यह है हमारा एल्यूमिनियम फॉइल, जिसकी मदद से हम सॉफ्ट लाइट बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट लाइट नहीं था, तो मैं ऐसे ही नॉर्मल लाइट का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे शैडो बहुत आता है। तो हम इसकी मदद से सॉफ्ट लाइट बना लेंगे। तो चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसका चमक कितना है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो खोलता हूँ मैं इसे, देख लो भाई, तो ये खुल गया। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चमक, तो ये
देख सकते हैं कि काफ़ी चमक रहा है, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। तो कैमरे में तो उतना नहीं दिख रहा होगा, बट रियर में देखोगे तो बहुत चमकीला है ये। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, तो वीडियो को करते हैं एंड। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने ऐसे वीडियो फर्स्ट टाइम किया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।